किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला महिला थाने में वर्ष 2019 में दर्ज कराए गए एक मामले से जुड़ा हुआ है। उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पास्को प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनाया। घटना सिमरी थाना के एक गांव की है, जहां वर्ष 2019 में 15 वर्षीय किशोरी शाम के 7 बजे शौच करने के लिए निकली थी। इसी दौरान उसी गांव के रहने वाले अभिषेक ठाकुर एवं सोनू ठाकुर ने उसे पकड़ लिया तथा जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था। लगभग 5 महीने के बाद जब किशोरी को गर्भवती होने का पता चला तो अभियुक्तों ने उसका गर्भपात करा दिया, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई थी, जिसका बाद में सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। मामले के दोनों अभियुक्त फिलहाल जेल में है। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें 25,000 का अर्थदंड भी देना होगा। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज कराई गई थी और ना है 22/2/2019 की। जब बच्ची शौच के लिए जा रही थी तो उसके साथ गांव के दो लड़कों ने, एक का नाम हुआ अभिषेक ठाकुर, एक का नाम हुआ सोनू ठाकुर, दोनों ने जबरदस्ती उसके साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन जब वो गर्भवती हो गई, 5 माह के बाद जब वो गर्भवती हो गई, उसको महसूस हुआ कि मैं गर्भवती हुई, तो उसकी सूचना अभियुक्तों को मिली और दोनों अभियुक्त ने जा करके उसका गर्भपात कराया। और आज कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट पॉक्सो श्री प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों को 376/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये अर्थदंड का।